आज है हमारे अलमती का सेकंड डे और हम जा रहे हैं चेरन कैनियन, कोलसाई और कैंडी लेक्स पे। ये हमारी बस है, इसमें हम बैठ के 450-350 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल करके हम वहाँ पहुँचेंगे। बहुत दूर है अलमती सिटी से, हमने डे टूर बुक किया है। कैसे बुक करते हैं मैं इसकी डिटेल्स आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमने टैक्सी पकड़ी और फिर पहुँच गए हम असेंबली पॉइंट पर। ये हमारे डे टूर की गाइड है जो हमारा नाम लेके हमारी अटेंडेंस लगा रही है और फिर अंदर जाने दे रही है। हम बैठ गए हैं बस में, सुबह 6 बज रहे हैं, अभी 6 बजे बस निकल चुकी है सिटी में से। अब इन मोहतरमा ने सारी की सारी बात तो रशियन में समझा दी और हमें समझ नहीं आई, तो इसलिए अमन ने गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू उससे सारी चीज समझी कि आपने बोला क्या। सुबह के बज रहे हैं 7, हो रहा है अभी 4 डिग्री टेम्परेचर। हमारी ट्रिप को शुरू हो चुका है आधा घंटा और अभी हम रुके हैं पहले स्टॉप पे जो कि है सुपरमार्केट का। यहाँ से आप कुछ भी खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं और इसके साथ में केमिस्ट की शॉप है, जो भी कोई मेडिसिन लेना चाहे। ये बेसिकली एक सैनिटरी स्टॉप है, यहाँ पर आप रुक कर सकते हैं। चलो सुपरमार्केट के अंदर चलते हैं और आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो शायद आपके काम आएंगी। काउंटर के जस्ट साथ में चॉकलेट्स का रैक है, यहाँ से मिल्क चॉकलेट्स आप ले सकते हैं। और जिन्हें पहाड़ों की सर्दी बर्दाश्त ना हो उनके लिए तो लिकर भी अवेलेबल है यहाँ। यहाँ पर आपको रेडीमेड ब्रेकफास्ट आइटम्स भी मिल सकते हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए काफी ऑप्शंस हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप यहाँ पे ब्रेड्स, बिस्किट्स, जूसेस कुछ भी ले सकते हैं। इस डे टूर की सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो थी ये बसेस, क्योंकि इन बसेस के अंदर रिक्लाइनर सीट्स थी, तो हम पूरे रास्ते गए सोते सोते और जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने देखा ये खूबसूरत सनराइज और इससे तो मेरा दिल जीत लिया। सोते सोते कैसे 2 घंटे कट गए पता भी नहीं चला, बड़ी मस्त नींद आई। और ये हमारा सैनिटरी का सेकेंड स्टॉप है, यहाँ पे टॉयलेट्स काफी क्लीन थे। आपको 100 टेंगे का कॉइन लेकर जरूर चलना है अपने साथ में अगर आप यहाँ पर फैसिलिटीज यूज करना चाहते हैं। मेरे पीछे जो आप ये दुकान देख सकते हैं इसके अंदर रेडी ब्रेकफास्ट आइटम्स मिल सकते हैं, चाय और कॉफी की। जब बस सेकेंड टाइम रुकेगी ना, इसका मतलब ये है कि आप डे टूर के फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के पास में हैं। और नींद पूरी करके हमने खाया घर के बने सैंडविचेस और फिर हम पहुंच गए वेलकम टू मार्स, इंडिया हैज फाइनली लैंडेड ऑन मार्स। हमारे इस डे ट्रिप का पहला स्टॉप है ब्लैक कैनियन, जिसको चोरनी कैनियन भी कहा जाता है। ये कितना अजीब सा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम मार्स पे आ गए हैं। खैर मजाक की बात छोड़ो, सिर्फ 3 घंटे दूर है, तो अपनी फ्लाइट बुक करो और पहुंच जाओ अलमती। ये कैनियन 1,20,00,000 साल पुराना है। हम जब भी किसी ट्रिप पर जाते हैं तो आप जरूर डेस्टिनेशंस तो कवर करते ही हैं, बट बीच में आप कमाते हैं कुछ ऐसी दोस्तियां जिनको आप जिंदगी भर याद रखते हैं। रास्ते के बीच में दिखाई दिए हमको ये स्नो कैप माउंटेन्स। कैंडी कोलसाई लेक्स का रास्ता बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही निराला है, अलग अलग लैंडस्केप दिखाई देते हैं बीच बीच में। हमने इस डे ट्रिप को बुक किया है सयाहत.टाइक से। ये इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बना हुआ है जिसपे आप मैसेज करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं डे वाइज। और इस डे ट्रिप का हमें प्राइस पड़ा 8,000 टेंगे पर पर्सन, जो कि है 1,450 रुपीज। और ऐसे ही बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स के इंस्टाग्राम पे पेज हैं जो कस्टमाइज डे टूर भी बनाते हैं। जैसे कि आपको 1 दिन का नहीं 2 दिन का टूर चाहिए, या आप कोलसाई जाना चाहते हैं और कैंडी नहीं, और इन सब के रेट्स वेरी करते हैं आपस में। तो हमारी बड़ी बस हो चुकी है खराब, अब हम जाएंगे छोटी वाली मिनी बसेस के अंदर। जस्ट किडिंग, बड़ी बस पतली पतली जगह पे जा नहीं सकती, इसलिए ये छोटे वाले टुक-टुक सेवा में जाना पड़ेगा और इसमें लगेंगे बहुत सारे झटके। हम अपनी बड़े बस से निकल के छोटी बस में बैठे हैं लेक पर जाने के लिए। यहाँ तक बस इस रास्ते में बड़ी बस आ नहीं सकती है और ये इतनी बम्पी राइड है, बहुत मजा आ रहा है, वो तो एडवेंचर। मिनी बस में बैठ के हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं 12:15 के आसपास, और डे टूर वाली गाइड ने हमें स्पेशली बोला कि 1:45 से पहले पहले यहाँ पर भाग भाग के आ जाना। अभी हम कैंडी लेक के बेस कैंप में हैं और इतनी सुंदर से खूबसूरत सी नदी के साथ साथ हम अब ऊपर चढ़ेंगे। आप अभी देख सकते हो वो कितना सुंदर है, इससे मिलियन टाइम्स बेटर व्यू आएगा। ये काफी पथरीला रास्ता है और आपको बीच बीच में हॉर्स शिट भी काफी मिलेगी, तो इसलिए आप प्रॉपर ट्रैकिंग शूज पहने ताकि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी ना हो। मैंने तो डीकैथलॉन के शूज पहने थे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस पहाड़ की ना बड़ी तगड़ी ढलान है, एकदम रैंप जैसा है ये। बहुत सा चढ़ गया, बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं ड्राइनेस इतनी है हवा में या क्या, चला नहीं जा रहा। काश घोड़ा किया होता मैंने पहले, घोड़ा या गधा।
गधे तो यहाँ नहीं मिले, पर घोड़े का प्राइस एक तरफ का 3,000 टेंगे है और दोनों तरफ आने और जाने का 5,000 टेंगे है, जो लगभग 1,000 रुपए हुआ। वैसे अब आप ये बताओ, आपको ये वैली कैसी लग रही है? कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये पेड़ इस तरीके से। और ये दोनों मेरी जैकेट और अपनी अपनी जैकेट लाद कर ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे कि इन्होंने तो मेरे को पीछे से लेना ही नहीं है। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे देख भी नहीं रहे कि एक बंदा रुका पड़ा है। और सच बताऊं ना तो मुझे बड़ा ग्रेव रिग्रेट है कि मैंने घोड़ा क्यों नहीं किया पहले। हाँ ठीक है, बाय बाय, ओके टाटा, बाय बाय। ये हमारी डे ट्रिप का सेकंड स्टॉप है जो कि है कैंडी लेक। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारे हैं, कुदरत का ये कितना अनोखा मास्टरपीस है। किस तरीके से जो ये पेड़ आप पीछे से देख रहे हैं, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक सनकन फॉरेस्ट है जो कि पेड़ उल्टे हैं। इतना मुश्किल ट्रैक करने के बाद में जब ऐसे नजारे दिखाई देते हैं ना तो ऐसा लगता है इट्स ऑल वर्थ इट। दो मिनट यहाँ चैन से बैठ जाओ तो यहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा। और तो और कैंडी लेक के जो ये कलर्स है ना, इतना सुंदर ग्रेडियंट सिंक हो रहा है। ये ना मिड नवंबर का महीना है और अभी भी ना यहाँ पर बर्फ जमी हुई थी और काफी स्लिपरी रास्ता भी था और हमारा यहाँ पर एक साथी तो फिसल भी गया था। फाइनली हम नीचे पहुँचने वाले हैं और ट्रैक बहुत मुश्किल है। एक साइड का ट्रैक 3 किलोमीटर का है, वापस आते हुए 6 किलोमीटर हो जाता है और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल ट्रैक है सच में। और घोड़े जाते हैं यहाँ पर और इतनी मोनोपोली है, जो चढ़ेगा घोड़ा लेके वही घोड़ा लेके नीचे आएगा, हमें नहीं मिल पाया, वेरी बैड। हम वापस इस खटारे से बस में बैठ के अपने बड़ी वाली बस की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ से अब निकलेंगे कोलसाई लेक की तरफ। मेरे पीछे हैं कजाकिस्तान के गाँव, अभी हम खड़े हैं सती विलेज में जहाँ से बस चलती है कैंडी वाली, कैंडी से हम वापस यहाँ पहुँच गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं हमारे साथ वाले, लंच के लिए रुके हुए हैं। हम तो अपने लंच साथ में लेके आए हैं, वेजिटेरियन है तो हम यहाँ पे तो खाएंगे नहीं। अब देखिए कैसा इनके गांव होता है। इस खूबसूरत विलेज का नाम है सती। इतना शांति है यहाँ पर, ये अपनी सांस की भी आवाज सुनाई दे रही है। शहर से कोसों दूर आकर इतनी ताजी हवा का एहसास होता है कि हमारे फेफड़े भी बोलते होंगे इतनी ताजी हवा। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा लैंड का पीस है जिसमें छोटे छोटे से घर हैं और इन घरों में रहते हैं बहुत ही वार्म हार्टेड लोग जो हमको वेलकम करते हैं बहुत ही प्यार से। यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, एकदम रिमोट विलेज है, टेम्परेचर यहाँ पे -25 डिग्रीज पहुँचता है और यहाँ पे बेसिक यूटिलिटीज भी नहीं है, कैसे ही लोग यहाँ पर सरवाइव करते होंगे। हमें पता था कि यहाँ पर कुछ भी वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने घर से सैंडविचेस बना रखे थे जो हमने सुबह और दोपहर खाए। कैंडी लेक से कोलसाई लेक का रास्ता कुछ 30-40 मिनट का है और बस वाले ने पार्किंग के अंदर बस छोड़ दी और हमें 3 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचा दिया और फिर हमारे पास में 3 बजे से 5 बजे का टाइम था कि हम कोलसाई लेक्स को एक्सप्लोर कर सकें। अब बताओ है कि नहीं ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक्स में से एक। कोलसाई लेक का ट्रैक काफी इजी है इन कंपैरिजन टू कैंडी और इन्होंने जो ये वुडन प्लेटफॉर्म बना रखा है ये एंड होता है बोटिंग पॉइंट पर, तो आप जब इसके एंड पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब है आप बोटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। हमारी टूर गाइड ने कैंडी लेक से निकलते ही हमसे पूछ लिया बस के अंदर कि किस किस ने बोटिंग करनी है कोलसाई पे और लगभग हर बोट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही था, तो सबने 5,000 टेंगे के अंदर एक बोट बुक कराई जिसके अंदर 3-4-5 बंदे बैठ सकते हैं। आखिर वो पल आ ही गया है जिसका हमें सुबह से इंतजार था, जिसके लिए हमने 6 बजे बस पकड़ी थी। इस खूबसूरत लेक का नाम है कोलसाई लेक, जिसके नज़ारे ऐसे हैं कि घंटों बिता दो पर मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। मेरी ना फीलिंग्स इस लेक के लिए एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये दुनिया की मेरी सबसे फेवरेट लेक है और मैं चाहती भी नहीं कि कोई और लेक मेरी फेवरेट लेक बने। इस लेक को देखकर शायद आपको अपनी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ गई होंगी। ये ऐसी ही ड्राइंग्स आप बनाते थे ना अपने नोटबुक्स के अंदर, दो पहाड़ ऐसे मिलते हुए और बीच में नदी। इतनी सीनिक ब्यूटी को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये स्विट्जरलैंड को पूरी पूरी टक्कर देता है? इस लेक को जस्टिस हम तभी दे पाएंगे जब हम इसके अंदर बोटिंग करेंगे, तो चलिए आइए अब हम चलते हैं बोटिंग करने। बोट पे बैठते हुए हमने किया थोड़ा सा स्ट्रगल, फिर हमने किया वेव और हम निकल गए अपने जेटी पॉइंट से। मैंने तो पकड़ ली थी बैक सीट और फिर मैंने इस लेक को शांति से निहारा और फिर हमने हमारे बस वाले दोस्तों के साथ में लेक में रेस लगाई क्योंकि सनसेट का टाइम है और सूरज की रोशनी सिर्फ उन्हीं पेड़ों तक जा रही थी जो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तो आप जब कोलसाई आए और अगर आपको चांस मिलता है तो आप जरूर बोटिंग करें। वैसे दूर से इसके नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि आप कुछ भी कंपेयर कर सकते हो, इसको कोई नहीं बीट कर सकता। पर पास से आने के बाद ये जो 3 तरीके के पहाड़ आपस में मिल रहे हैं, अद्भुत नज़ारा।
और 5:30 बजे बस फिर निकल गई कोलसई लेक से। और अब हम 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे सिटी के अंदर। और इस वक्त सब लोगों की बॉडी की बैटरी हो गई थी डिस्चार्ज, और तो और फोन की भी हो गई थी, तो अपने साथ में पावर बैंक जरूर रखें। एक पावर बैंक है जो बड़ा मस्त है जो हमारे पास में है, उसके लिए ना आपको अलग से तार लगाने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर अपनी वायर्स है जो अलग अलग फोन के अंदर कनेक्ट हो सकती है, जैसे कि एंड्रॉइड और iOS। और इस पावर बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वापसी के रास्ते में एक बार बस रुकेगी, वहां पर एक दुकान है जहां से आप डिनर के लिए कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। वहीं से हमने गर्म पानी का जुगाड़ किया था जो हमने उपमा में यूज किया था, और इसी तरीके के आइटम्स और भी हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है जो रेडीमेड है, तो आपको काफी आसानी होगी इस तरीके की ट्रिप्स को मैनेज करने में, क्योंकि आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ये एक सैनिटरी पॉइंट भी है, तो आप यहाँ पर वॉशरूम भी यूज कर सकते हो सकता है आप ट्रिप के दौरान इस तरीके की छोटी छोटी चीजें मिस आउट कर जाएं, तो उसके लिए हमने एक अलमती गाइड की एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसके अंदर सारी चीजें डिटेल के अंदर है। तो टॉप राइट पे देखिए पॉपअप आया है, उस पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको अलमती की आइटनरी देखनी है तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिए। और इन तालियों की आवाज से घोषणा हुई कि हमारी ट्रिप हुई खत्म। और फिर टूजिस ऐप की मदद से हमने नेविगेट किया कि डोडो पिज्जा पास में कहां पर है। अब हम अपने डे टूर के बाद में पहुंच गए हैं अलमती सिटी, और लग रही है बहुत तेज से भूख। और ये है बेस्ट स्पॉट, ये है डोडो पिज्जा। यहाँ पर बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है, एंड दैट टू वेजिटेरियन, सो दिस इज अ मस्ट ट्राई प्लेस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू ऐड दिस ब्यूटीफुल सिटी अलमती टू योर बकेट लिस्ट।